हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि एक कैंडिडेट है जिसके साथ मैंने इंटरव्यू किया है और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम फेस आई, इंटरव्यू का उनका जो फेज़ रहा वो कैसा रहा, उसके बाद जो वेट करने का जो फेज़ रहा कि ज्वाइनिंग डेट बार बार पोस्टपोन हुई, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने फेस किया है हर यू नो सिनेरियो में से, हर फेज़ में से उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करने की कोशिश की है। और मैंने भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं जो क्वेश्चंस आपकी तरफ से बेसिकली होते हैं, तो आप ही के क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे हैं और अब वो आपको बताएंगे अच्छे तरीके से और हम लोग दोनों मिलकर के बताएंगे कि वो किस तरह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम यू नो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हो सके तो इंटरव्यू पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक बात यू नो पता नहीं आपके कौन से डाउट कहाँ पर आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंटरव्यू, छोटा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, सो पूरा देखिएगा। ओके, हेलो पूनम, हाउ आर यू? Hi Shahbaz, I'm fine. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गो टू साइंस। पूनम, एक्चुअली दिस इंटरव्यू लाइक इज ओनली फॉर द दोज कैंडिडेट्स एक्चुअली हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स एक्चुअली, बट विल स्टार्ट लाइक दोज थिंग के अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आपने इंटरव्यू कैसे दिया बायजूस में और आपका सिलेक्शन कैसे हो, पूरी जर्नी को हम लोग कुछ ही टाइम में जो है वो कम्प्लीट करेंगे। सो पूनम, हाउ यू नो यू अप्लाइड फॉर द बायजूस अकेडमिक स्पेशलिस्ट एंड लाइक BTC सेंटर ट्यूटर? Actually, I applied for both academic specialist as well as the BTC learning center teacher as well. But for the academic specialist, I applied it through the Instagram ads which I received. But when I applied for it, the interview was held. The interview was quite good, but still the selection did not occur because I guess there was no more vacancies in it. So I went to Byju's career portal. Over there, वहाँ पे एक option होगा for the academics and all BTC center के लिए, तो उसमें मैंने apply करा। फिर within a week not even two मुझे call आ गया and they were मतलब वहाँ पे मुझे actually I need to submit the demo video, मुझे demo video submit करना था, फिर अपना resume upload करना था and within a week मुझे call mail आता है कि my demo video was selected and फिर मुझे call आता है कि अच्छा, आपका मतलब, interview schedule करना है। apply करने के एक हफ्ते बाद आपको call आ गया, right? हाँ, एक हफ्ते के बाद अंदर ही कॉल आ गया ओके, और उन्होंने मुझे बताया ये इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए। और जिस दिन कॉल आया उसके जस्ट नेक्स्ट डे इंटरव्यू स्केड्यूल किया रहा उन्होंने। उसमें मेंशन था कि उसमें कुछ टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए थे, उसमें बस बोला गया था यू हैव टू प्रिपेयर अ डे, उसमें आपको एक डेमो वीडियो प्रिपेयर करना है मैथ्स का ही रिलेटेड किसी टॉपिक पर और आपको उसके बेसिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, राइट? यस, मैथमेटिक्स। ओके ठीक है। और हाँ, फिर उसके तो बाद उस अप्लाई इंटरव्यू मुझे इंटरव्यू के बाद जब कॉल आया तो के लिए जो कॉल आया तो फिर इंटरव्यू में यू नो जो थोड़ा सा इंटरव्यू का स्टार्टिंग कैसे क्या इंट्रोड्यू आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया पहले इस चीज को आप थोड़ा सा बता दें। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आप बता दें कि ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सो दैट की लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके उसके लिए। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट स्केड्यूल था, फिर उन्होंने मुझे जैसे ही मैंने ज्वाइन करा फर्स्ट थिंग इट वाज लाइक ग्रीटिंग्स, वी ऑल बोथ द साइड इट वाज ग्रीटिंग। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई बायजूस एंड गिव मी सम, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, सो आई टोल्ड देम माय इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाज बेसिकली माय नेम, माय द एजुकेशन ऑफ हाउ मच आई एम क्वालिफाइड और कहाँ से किया है, और रिसेंटली अगर मैं कोई भी मैंने कोई काम किया या मैं फ्रेशर हूँ। तो मैंने साफ साफ बोला था माय नेम इज पूनम मेहता, आई एम बेसिकली फ्रॉम धनबाद झारखंड, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन द ईयर 2021 एंड सिंस आई एम अ फ्रेशर आई हैव नो वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल। फिर उन्होंने मुझसे पूछा व्हाई बायजूस, तो आपको बताना है क्यों बायजूस। मैंने तो कहा इट्स अ लीडिंग एडटेक कंपनी, सो और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बिकॉज आई एम अ फ्रेशर। और फिर थोड़ा पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट बायजूस, तो बस अगेन लीडिंग एंड टेक कंपनी, ज्यादा मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना डेमो वीडियो प्रेजेंट कीजिए किसी भी एक टॉपिक पे। तो मैंने एज मेरा मैथमेटिक्स का, तो मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चूज किया, मैंने डेमो वीडियो दिया, 3-4 मिनट ही दिया होगा, उसमें वो खुद ही रोक देते हैं बीच में। हाँ, exactly, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड, हाँ उसी टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप डेमो वीडियो दोगे उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पहले वो 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं, सब्जेक्टिव कंपैरेटिवली कम थे बीटीसी में, बट एकेडमिक स्पेशलिस्ट वाले में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे, बट इन बीटीसी सेंटर वाले में मुझे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने, मैंने सॉल्व एक्सप्लेन किया।
और फिर उन्होंने मुझसे सबसे सिली क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. मतलब वो ऐसे ओके क्वेश्चंस पूछते हैं जिस पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते, हाँ हमें जो लगता है वो एग्जैक्टली सब कुछ रेयर सिमिलर क्वेश्चंस है होते हैं और वो. वो सबसे हाँ सिंपल है मेरे लिए ऐसा लगता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं हाँ टाइम आफ्टर टाइम. लेकिन हम यस कभी उस पे ध्यान नहीं देते. एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली स्कूल के जो चैप्टर बुक के स्टार्टिंग में जो होता है ना इंट्रोडक्शन दिया हुआ, उस पे ध्यान देना होता है एक्चुअली. जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल होता है बिल्कुल बुक्स के, जिसको हम कभी ध्यान ही नहीं ध्यान देते, नहीं देते वही एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछते, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन. एग्जैक्टली या तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्सेप्चुअल, उन्होंने या तो मुझसे आई पूछा थिंक या तो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं या फिर बिल्कुल सिंपल होते हैं जिसपे हमें लगता है कि ये चलो इसका हाँ इतना वेटेज नहीं है, क्या पढ़े इसको हम, ऐसा एग्जैक्टली. हाँ हम लोग सारे फॉर्मूलाज याद करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट हम लोग ये उसका बेसिक क्या है, वो डिफरेंस क्या है, वो भूल जाते हैं. जैसे एक क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझसे पूछा गया था, रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो अगर हम ध्यान दें ऐसे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं पता है, बट द सिली डिफरेंस इज कि वहां पे पी एन क्यू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू होल नंबर, और एक केस में बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ये डिफरेंस है जिसपे हाँ हम लोग शायद, हमें एग्जैक्टली -2/4 भी रैशनल नंबर ही लगता है, -2/4 फ्रैक्शन भी लगता है, बट ये डिफरेंस तो है यहाँ पर. फाइनली फिर एक दो इंटरव्यू. क्वेश्चंस और पूछे थे उन्होंने. ओके सो फाइनली इंटरव्यू के, चलो ठीक है इंटरव्यू अगर हो जाता है और अब इंसान को लग जाता है मतलब फाइनली कैंडिडेट्स को लास्ट में कि मेरा होने वाला है सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरा एकेडमिक स्पेशलिस्ट वाला इंटरव्यू काफी अच्छा गया था, बट मेरी सिलेक्शन उसमें नहीं हुई थी. एंड उस इंटरव्यू के बाद ही मैंने इसमें अप्लाई किया. विद इन 2 डेज के बाद मैंने ही सब कुछ अपलोड एंड ऑल किया, और इस वाले इंटरव्यू में मैंने कंपैरेटिवली कम से कम 6-7 क्वेश्चंस गलत बताए होंगे. तो मुझे लग रहा था शायद इसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें नहीं हुआ था, क्योंकि वो ज्यादा बेटर गया था. बट हाँ स्टिल इसमें मुझे कॉल मोर आया यू नो कि द यू हैव बेसिक बीन थिंग इज सेलेक्टेड. आई थिंक कि कॉन्फिडेंस आपका शायद कॉन्फिडेंस. इसमें ज्यादा आपका बिल्डअप रहा होगा कि एक तो मैंने दे दिया इंटरव्यू, दूसरा है तो आई एम सो कॉन्फिडेंट कि चलो हो हाँ जाएगा, तो इसलिए मैं भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है. मैं ये भी हमेशा हो अपनी सकता है. वीडियोज में यही बताता रहता हूँ कि कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है खास करके इंटरव्यू के लिए. चलो ठीक है पूनम, तो इंटरव्यू होने के बाद आपको, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन का कॉल कब आता है, कितने दिन बाद आता है इस तरह से? मुझे within 2 days ही आ गया था अच्छा कॉल कि विद इन आपका टू डेज आ सिलेक्शन गया हो था चुका आपको है. इंटरव्यू का सिलेक्शन? ओके यस क्योंकि काफी, देखो काफी लोगों का एग्जैक्टली कंसर्न होता है ना कि और वैसे 15 डेज भी ले लेते हैं, 10 दिन के बाद किसी का आता है, किसी का 1 हफ्ते बाद आता है, तो हम क्या, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि मेरा 10 से 15 दिन लग गया था आने में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट टेक्स 10 to 15 डेज यू नो कि वी गॉट अ कॉल फॉर हाँ द सिलेक्शन और अप्रोक्सीमेटली रिजेक्शन? ठीक है सबके अलग अलग है. एग्जैक्टली सो हम लोगों को आई थिंक जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि वो नहीं आएंगे, ठीक है वो सिलेक्शन रिजेक्शन के आ जाते हैं ना, मेल या फिर कॉल आ जो भी जाते होता हैं है. वो एंड आफ्टर दैट अगर ज्वाइनिंग के रिजेक्शन भी लिए, होता है ज्वाइनिंग यस रिजेक्शन होता है तो प्लीज क्या बोल रहे थे आप? तो भी मेल आ जाता है. एग्जैक्टली गुड गुड हाँ तो ये रिजेक्शन कह होता रहा है था. तो भी मेल आ जाता है, सिलेक्शन होता है तो कॉल ही आता है. कॉल आता है डायरेक्ट. यस एग्जैक्टली सिलेक्शन मैं होता है वही तब कहने तो वाला कॉल ही था. आ हाँ जाता है. ये सिलेक्शन होता है तो कॉल ही आता है डायरेक्ट. एग्जैक्टली अच्छा उसके बाद जब हाँ ज्वाइनिंग के लिए आपको बताया गया, तो ज्वाइनिंग का पोस्टपोन भी हुआ था आपका क्या? कितनी बार हाँ पोस्टपोन मेरा हुआ? ज्वाइनिंग लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कॉल, आई मीन मई एंड में ही मेरा कंफर्मेशन हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है. ठीक तो है. मुझे 10 दिनों के बाद का ज्वाइनिंग डेट दिया गया. अप्रॉक्सिमेट 22 या 23 मई को एक्सेप्ट हुआ, और उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग डेट का कॉल आया तो बोला कि आप 3 जून को ओके हो. तो मैंने कहा यस ओके हूँ. फिर मुझे जस्ट 2 जून को, जिस दिन मुझे एक्चुअली लिंक मिलने वाला था ज्वाइनिंग का, उसी दिन मुझे कॉल आता है कि आपका ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो चुका है. तो आई नहीं वॉज रियली टेंस कि मेरा ज्वाइनिंग होने वाला है या नहीं होने, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले कोई बताएंगे तो आपके दिमाग में वो बहुत सारे एग्जैक्टली सेकेंड थॉट्स एग्जैक्टली आते हैं बहुत कि सारे. कंपनी फ्रॉड है या क्या है, सब ज्यादा दिमाग में आ रहा था. तो उन्होंने पोस्टपोन करके उन्होंने मेरा ज्वाइनिंग डेट दिया था, आई गेस 29th of July. नहीं, उससे पहले 8th of July दिया उन्होंने एक्चुअली मतलब पहले मई मुझे. से सीधा उसके जुलाई. बाद एट ऑफ ओ जुलाई नहीं, 3rd of June से 8th of July, अच्छा अच्छा ठीक है, 3rd of June एक से महीने एट से ऑफ जुलाई ज्यादा. ठीक है. एग्जैक्टली. और हाँ उसी उसके बीच में आपने बाद फिर कांटेक्ट किया उन्होंने था मुझसे आई मुझसे थिंक. पूछ, हाँ हाँ जी अच्छा नहीं अच्छा उसके बाद कांटेक्ट किया है, उसके अच्छा बाद जो कांटेक्ट किया जुलाई है. जब आ गया है डेट, उसके बाद आपने कांटेक्ट किया जब आप थोड़ा सा यू नो परेशान लग रहे थे उस हाँ टाइम पे. ओके ओके हाँ तो ठीक है. 8 जुलाई का जब लिंक आया ना, हाँ हाँ उससे हाँ पहले भी मुझे, जैसे लास्ट टाइम 3rd जून को था तो 2nd जून को पोस्टपोनमेंट हुआ, और जब 8 जुलाई का ज्वाइनिंग था तो कम से कम 15 या 16 दिन पहले फिर से कॉल आता है. आई मीन ओके 15th to 20th of June के अप्रॉक्स मुझे कॉल आता है कि आपका ज्वाइनिंग फिर से पोस्टपोन है. आई वॉज लाइक अब ये ज्वाइनिंग बार बार आप पोस्टपोन मतलब क्यों 2 बार कर रहे हो. मैं तो पोस्टपोन हो अपने चुका एचआर राइट? को, चुका है हाँ, मैंने हाँ अपने एचआर को फोन पे सुना भी दिया, आप लोग बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं, कहीं कैंसलेशन का चांसेस तो नहीं, अगर है तो आता आप है मन पहले ही में कि बता क्या पता दो. रिजेक्ट कर देंगे, क्या पता ये वैकेंसीज खत्म हो जाएगी. एग्जैक्टली
तो मैं उतना वेट नहीं करूंगी, मैं किसी और हम्म कंपनी में अप्लाई करूंगी, अगर आपको पोस्टपोन ही करना है या कैंसिल करना तो आप पहले ही बता हम्म दो। तो उन्होंने मुझसे साफ साफ बस इतना ही कहा कि आपको ऑफर लेटर मिल गया है, दैट मींस आपका कैंसिलेशन नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा एग्जैक्टली लेट हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे कि सेंटर्स लाइव नहीं थे, लाइव नहीं हो अभी एग्जैक्टली तक द बहुत रीजन सारे इज सेंटर्स बने एग्जैक्ट ही रीजन नहीं वही है। था। थोड़ा सा उसमें हाँ डिले हो तो रहा है इस फिर वजह से मुझे जो है वापस से, थोड़ा डिले हो रहा है इस वजह हाँ से पोस्टपोन्ड हो रहा है, काफी कैंडिडेट्स बहुत परेशान है पोस्टपोन्ड के लिए, स्पेशली मुझे कंटेंट क्रिएट करना पड़ा इसके लिए कि पोस्टपोन्ड होगा तो उसका बेसिक मेन रीजन क्या है। मैंने बहुत सारे रीजन भी बताए अपने वीडियो में और उसके बाद फिर भी लोगों के मैसेजेस आते रहते क्योंकि हो रहे हैं पोस्टपोन, ऑब्वियसली तो मैसेज आएंगे ही। तो ठीक है, उसके बाद जो है ठीक है आपका ज्वाइनिंग फाइनली फिर कब फाइनलाइज हुआ, आप जरा बताएं उसके बारे में। 29th of July को फिर मुझे कॉल आता है कि आपका ज्वाइनिंग फिर अच्छा से पोस्टपोन हुआ है 29th of July। इस टाइम मुझे ऑफर लेटर आने में भी 3-4 दिनों से ज्यादा लगा था, रिवाइज ऑफर लेटर आने में, अच्छा तो मैं मतलब और डर रिवाइज्ड रही थी कि ये लोग, ऑफर लेटर पहले आया था, उसके बाद एक और ऑफर लेटर आया, रिवाइज्ड ऑफर लेटर आया, राइट। फिर ओके, दोबारा मुझे 3 बार ऑफर तीन बार लेटर्स ऑफर मिले, लेटर नॉट आया, इवेंट माय गॉड। वाइज 3 बार ओके, बहुत लोगों का ये मिले हैं। कंसर्न होता है कि सर ऑफर हाँ लेटर तो तो मेरा रिजेक्ट हो फाइनल गया फिर क्या ज्वाइनिंग होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं, वो आ जाता है, वो आ जाता है। तो मुझे फाइनली मेरा ज्वाइनिंग 29th of July था, बहुत मुश्किल से वो जितने भी बीच के दिनों थे पार हो गए, एंड मेरा फाइनली 29th of July को ज्वाइनिंग हो गया। एंड ओके स्टिल अभी तक मुझे सेंटर नहीं जाना है, क्योंकि मेरे सेंटर अभी तक लाइव नहीं है, अच्छा, उसके बाद तो ज्वाइनिंग के बाद जो और है बस यही रीजन है। ट्रेनिंग घर से ही होता है राइट ना, और रिपोर्ट हाँ करने के लिए कुछ उनका, दिनों तक घर से होता हाँ है, रिपोर्ट करने के लिए उनका कॉल आएगा कि आपको रिपोर्ट सर्टेन डेट पे करना है जो आपको डेट दिया जाएगा करना राइट। है। ओके ओके हाँ, पूनम, एक वीक तक आपको घर से ट्रेनिंग मिलेगा। यस 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 एक्चुअली यू हेल्प्ड अ लॉट टू दोज कैंडिडेट्स हु इज फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग दोज ज्वाइनिंग एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे गोटो साइंस पर आए और अपने लोगों के एक तरह से आप हेल्प ही कर रहे हो। थैंक्स अ लॉट फिर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड बायजूस, थैंक यू। थैंक यू एंड माय प्लेजर।